वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख से देखिए 16.8 पे यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था फ्राइडे के दिन। यस बैंक लिमिटेड स्टॉक मीन्स तकरीबन यहाँ पे हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल नंबर चेक करने वाले यस बैंक लिमिटेड के लिए, तो मार्केट कैप के ऊपर नजर डालेंगे तो देख सकते कि 42,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप स्टेबल है। करंट प्राइस देख सकते हो, फिर 52 वीक हाई और 52 वीक लो भी देख सकते हो। स्टॉक का पी रेशियो 38.5 का है, बुक वैल्यू जो है 13.5 का है और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड नहीं है। आरओसी जो है 4.96% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 3.21% का है, फेस वैल्यू ₹2 का है। कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है 2,69,000 करोड़ का लोन है, फिर नेट प्रॉफिट जो है 1,097 करोड़ का है, ईपीएस जो है 0.44 का है। तो यहाँ पे रिटर्न वो 1 ईयर की बात की जाए तो 31.1% का रिटर्न है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 134% का है। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 सालों में यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते हैं 14% की गिरावट देखने को मिले है। सेल जो है 20,000 करोड़ के सेल से सेल्स का ग्रोथ 10.6% है, सेल ग्रोथ पिछले 3 सालों से यहाँ पे 13% डाउन है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 51,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट है, टोटल एसेट 3,18,000 करोड़ के है, डेप टू इक्विटी जो है वो 7.98 की है, तो जो हाई है। एबिटा जो 18 का है, इक्विटी कैपिटल 5,000 करोड़ के ऊपर है, डिविडेंड पे आउट नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग भी नहीं है, उसमें शेयर प्लेज भी नहीं है और एवरेज प्रॉफिट जो लास्ट 5 ईयर्स का है, देख सकते कंपनी को 2,500 करोड़ का लॉस हो चुका है एवरेजली पिछले 5 सालों में। तो लेटेस्ट फंडामेंटल यहाँ पे आप देख सकते यस बैंक के लिए।